मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। भोपाल के पूर्व महापौर सुनील सूद, पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत 500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। आपको बता दें कि सुनील सूद और कैलाश मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुरेश पचौरी के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश के महाकौशल और विंध्य की 6 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन सीटों पर बुधवार को चुनाव प्रचार थम गया। प्रथम चरण में महाकौशल विंध्य की जबलपुर मंडला बालाघाट छिंदवाड़ा सीरी और शहडोल सीट पर कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 33वें मुकाबला आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मैच पंजाब के होम ग्राउंड मुल्लापुर के महाराजा यजवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा। बंगाल में रामनवमी पर फिर हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में बुधवार शाम रामनवमी के जुलूस पर कथित तौर पर बम फेंकने की घटना प्रकाश में आई है। इस घटना में 20 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक महिला व 2 बच्चे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा को लेकर शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद राउत ने नवनीत राणा को नाचने वाली और बबली कहकर अपमानित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने गुरुवार 18 अप्रैल को बड़ा आरोप लगाया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि वह तिहाड़ जेल में जानबूझ कर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूरी आम और मीठा खा रही हैं। सोमवार को अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला ने भोजपुरी स्टार और गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन को अपनी बेटी का पिता होने का दावा किया था। अपर्णा ठाकुर का कहना था कि उनकी 25 साल की बेटी शिनोवा रवि किशन की बेटी है। इस दावे के बदले में एक्ट्रेस की पत्नी प्रीति शुक्ला ने अपर्णा और उनकी बेटी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। इजराइल से जुड़े एक कंटेनर शिप पर ईरान रिवॉल्यूशन गार्ड के कमांडो ने पिछले हफ्ते कब्जा कर लिया था। इस शिप पर क्रू मेंबर के रूप में 17 भारतीय सवार थे। ईरानी कमांडो सभी क्रू सदस्यों के साथ शिप को ईरान ले गए थे। अब इनमें एक महिला क्रू मेंबर भारत लौट आई है। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एक बार फिर मोदी की गारंटी पर मुहर लग गई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने गुरुवार को एक और सफलता हासिल की। DRDO ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। गूगल ने अपने 28 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में स्थित गूगल के ऑफिस में 10-10 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन हुआ था। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके बाद गूगल ने इन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया।